जिन्होंने अजय माकन को हरवाने का काम किया था राज्यसभा के चुनाव में, जो इस तरह से कांग्रेस में रहकर के जो कांग्रेस के साथ विश्वासघात करने में लगी हुई थी, आज वो कहती है कि कांग्रेस में भविष्य, अगर जो बेटी को टिकट मिल जाता तो भविष्य कांग्रेस का सुरक्षित, बेटी को टिकट नहीं मिला इसलिए हरियाणा में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। जिस कांग्रेस को 47.6% वोट अर्जित किए, जो कि पूरे इंडिया गठबंधन का पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक है। दोस्तों नमस्कार। राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति के अंदर संभावनाएं हमेशा जिंदा रहती हैं। राजनीति के अंदर आज कोई पॉलिटिशियन अगर ये कह रहा है कि ये नहीं होगा तो आप मान के चले कि वो हो भी सकता है। राजनीति के अंदर आप ये मान करके चले कि राजनीति का फलसफा कुछ ऐसा है कि व्यक्ति चलता किस दिशा में है और पहुंचता कहाँ है। आप इसे कुछ यूं मान लें कि घर से निकलेंगे तो मथुरा की दिशा में और पहुंचेंगे दिल्ली। ये राजनीति में हुआ करता है। आपको ध्यान होगा वो आज से चंद रोज पहले का वो वाकया, जब राहुल गांधी थे भिवानी के अंदर, सभा को संबोधित कर रहे थे, सभा को संबोधित करने के लिए गए थे। मंच पर बीच में राहुल गांधी थे, एक किनारे दान सिंह और दूसरे किनारे बैठी थी किरण चौधरी। उंगलियां दिखाकर इशारे खूब कर रहे थे। किरण चौधरी के बारे में उस समय कोई कह नहीं सकता था। उसके बाद का आप याद करें तो किरण चौधरी कह रही थी कि उनकी ननद और भौजाई का रिश्ता था दोनों का, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी का, कह रही थी कि कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री की प्रबल दावेदार हैं, लगता था कि पूरी मजबूती से साथ रहेंगी। लेकिन एकाएक क्या हुआ कि दो दिन पहले, हालांकि मैंने अपने एक वीडियो में आपसे कहा था कि मुझे तो डेढ़ साल पहले से ही लगता था कि किरण चौधरी कभी भी अलविदा कह देंगी कांग्रेस को, और वो हो गया। लेकिन किरण चौधरी जो कह रही थी, जो मैंने आपसे कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, संभावनाएं हमेशा जिंदा रहती हैं, तो किरण चौधरी ने एक संभावना को हमेशा जिंदा रखा था। आपको ध्यान होगा आदमपुर उपचुनाव के परिणाम का वो दौर, जब फोटो वायरल हो रहे थे किरण चौधरी और अमित शाह के साथ किरण चौधरी की मुलाकात की बातें चली थी। और आज मनोहर लाल ने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई किरण चौधरी को, और उसके बाद मनोहर लाल जी ने जब ये कह दिया कि इनका शरीर तो कांग्रेस में था लेकिन मन इनका भाजपा में था, तो इसका मतलब तय है कि अंदर अंदर कुछ ना कुछ पक रहा था, लेकिन संभावनाएं तलाशी जा रही थी सभी जगह। किरण चौधरी कह रही थी कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। लेकिन डेढ़ महीना पहले की बात तो है, जब किरण चौधरी हरियाणा की भिवानी महेंद्रगढ़ की लोकसभा की टिकट अपनी बेटी के लिए तमाम दाव पे चल रही थी। आखिर आज एकदम से डेढ़ महीने में क्या हो गया, और वो तब जबकि कांग्रेस को 5 लोकसभा की सीटें मिल गई। अगर वोट शेयर पे जाएं तो 47% तक कांग्रेस का वोट शेयर चला गया। एक दिन पहले किरण चौधरी अपनी ननद कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनाने की बात कहने वाली, और दूसरे ही दिन अचानक से अगर चली गई। अब मुद्दा यह है किसका नुकसान किसको होगा, कांग्रेस को क्या इसका नुकसान होगा। भूपेंद्र हुड्डा ने कह दिया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दीपक बावरिया कह रहे हैं नेता आते जाते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चौधरी उदयभान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, सबसे अथेंटिक तो उनकी बात है, उदयभान कह रहे हैं। आप उदयभान की पहले एक बार बात सुन लीजिए। नहीं, कोई कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और जहां पे जब उनका दम घुट रहा था यहाँ, और जब वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है, तो जहां उन्हें भविष्य अपना सुरक्षित लगता है वहां वो जा रही है। उनको बहुत बहुत शुभकामना। लगता है कि जो टिकट नहीं मिला उनकी बेटी को, इसकी वजह से छोड़िए उन्होंने पार्टी, क्योंकि नाराजगी तो लंबे समय से, उससे पता लगता है ना कि वो टिकट नहीं मिला बेटी को इसलिए वो छोड़ रही है। जब उनको ये नहीं लगा कि उनको हर बार टिकट भी दिए, उनको विधायक दल का नेता भी बनाया गया, उनकी बेटी को वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाया गया, उनकी बेटी को टिकट दिया एमपी भी बनाया गया, जब इस बार कांग्रेस नेतृत्व ने दूसरा आदमी का नाम दिया तो उनका कांग्रेस में भविष्य सुरक्षित नहीं लगा। जहां वो सुरक्षित लगाएगा, ये तो हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, जहां उसे अपना भविष्य सुरक्षित लगेगा वहां जाएगा। विचारधारा से कोई मतलब नहीं।
कारण क्या? ये सब ड्रामा जो चल रहा था कि जो बात कर रही थी बंसीलाल जी की लीगेसी से, ये वही किरण चौधरी हैं जिन्होंने 2019 के चुनाव में धर्मवीर से भी मिलकर के और दुष्यंत चौटाला से मिलकर के नैना चौटाला को वहां सपोर्ट किया और बंसीलाल जी के बड़े सुपुत्र चौधरी महेंद्रा को इन्होंने हरवाने का काम किया था, उनके खिलाफ काम किया था और उनसे मिलकर के अपने यहाँ अपने एक आदमी को टिकट दिलवाने का काम किया था जो कि रिजर्व कैटेगरी से आता। ये तो पहले से ही ये वही करण चौधरी हैं जिन्होंने अजय माकन को हरवाने का काम किया था राज्यसभा के चुनाव में, जो इस तरह से कांग्रेस में रह करके जो कांग्रेस के साथ विश्वासघात करने में लगी उनकी, आज वो कहती है कि कांग्रेस में भविष्य, अगर जो बेटी को टिकट मिल जाता तो भविष्य कांग्रेस का सुरक्षित है, बेटी को टिकट नहीं मिला इसलिए हरियाणा में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। जिस कांग्रेस को 47.6% वोट अर्जित किए जो कि पूरे इंडिया गठबंधन का पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक है, जो कांग्रेस पार्टी पहले लोकसभा 0 से बढ़कर के 5 सीट पर लेकर गई, जो कांग्रेस पार्टी का 19.5% वोट बैंक बढ़ा है, वोट शेयर बढ़ा है और बीजेपी का 11.5% वोट शेयर घटा है, जिस कांग्रेस पार्टी की 10 विधानसभा पर लीड थी 19 के लोकसभा चुनाव में आज 46 पर है और जिनकी 79 पर थी वह 44 पर है, आज उस कांग्रेस को उनको भविष्य नहीं लग रहा क्योंकि वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई थी, वो जहां उनका तालमेल चल रहा था वो वहीं पर गई है, वो तो पहले से ही पता था उनका जो गंतव्य स्थल है। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान कह रहे हैं कि जिसको जहां अपना भविष्य सुरक्षित दिखता हो वो वहीं जाएगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बड़ी बात यह है कि किरण चौधरी जाते जाते कांग्रेस को कितना नुकसान होगा पता नहीं, कांग्रेस का कितना वो नुकसान कर पाएंगी भारतीय जनता पार्टी में जाकर, ये 120 दिन बाद जब हरियाणा के विधानसभा के चुनाव होंगे उनका रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि वो अपनों को बड़ा दर्द दे गई और वो दर्द उन्होंने दिया SRK गुट को, शैलजा रणदीप और किरण गुट बना हुआ था जो एक तिगड़ी थी कांग्रेस के अंदर, रणदीप सिंह सुरजेवाला तो कांग्रेस के अंदर जाने क्यों कुछ डाउन से दिखाई देते हैं, पीछे कारण क्या है हम कह नहीं सकते, लेकिन ये जरूर है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला की कांग्रेस के अंदर राजनीति पिछले काफी समय से डाउनफॉल पर चल रही है और आप उसे कुछ यूं मान लें कि कैथल के अंदर बजाय करने के नरवाना में वो धन्यवाद सभा में साथ थे, उस सभा में किरण चौधरी भी थी, आज से 5 रोज पहले की बात थी, लेकिन एक जोर का झटका धीरे से वो SRK गुट को दे गई किरण चौधरी और कुमारी शैलजा जिनके अरमान थे कि वो कांग्रेस में रहकर मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे, होगा क्या ये पता नहीं, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो फैसले होते हैं जब चुनाव होगा, चुनाव में विधायक चुन कर आएंगे, विधायक अपना नेता तय करेंगे और विधायक क्या चाहते हैं और पार्टी का आला कमान क्या चाहता है इन दोनों पर तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, गाल भले ही कोई कितने ही बजा ले, लेकिन एक बात जरूर है दोस्तों कि किरण चौधरी शैलजा गुट को कमजोर जरूर कर गई। अब बड़ी बात यह है, मैंने आपको बताया कि कांग्रेस को कितना नुकसान होगा समय बताएगा, दूसरी बात शैलजा गुट को कितना नुकसान होगा यह भी समय बताएगा, और सबसे प्रमुख बात किरण चौधरी का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या रहेगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्या किरण चौधरी राज्यसभा की मेंबर बनेंगी, क्या किरण चौधरी को दिल्ली की राजनीति में इस्तेमाल किया जाएगा, आपसे अगले वीडियो में चर्चा करूंगा दिल्ली की राजनीति में, और सबसे प्रमुख सवाल चौधरी बंसीलाल के प्रभाव वाली सीटें जो खासकर भिवानी और चरखी दादरी पुराना जिला जिसके अंदर 4 और 3 7 विधानसभा की सीटें हैं, क्या उन सभी सीटों पर किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी को कोई बेनिफिट दे पाएंगी, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।